नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चक्रधरपुर में शहीद पत्रकार पवन शर्मा का शहादत दिवस मनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पत्रकारों और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उराव ने शहीद पत्रकार पवन शर्मा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे विधायक सुखराम उराव ने कहा कि उनके गांव से शहर तक पहुंचने और राजनीति में जाने के पीछे शहीद पत्रकार पवन शर्मा का बहुत योगदान रहा है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। विधायक ने राज्य के पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पत्रकारों को काम करने के लिए भयमुक्त माहौल दे। मेरा दोस्त है, हम लोग बचपना तो गुजारा नहीं है, लेकिन जब से वो संभाले तब से हमारे दोस्त के रूप में रहे हैं। अगर आज शहर देखे हैं तो उनका एक योगदान रहा है। ये नहीं पता था कब पत्रकार बने हैं, हमको जैसा ही उनका उनका जो घोषणा घटी उसके बाद ही पता चला कि ये भी उनका मतलब काम करते थे बन के, लेकिन इनका विशेष योगदान हम लोग का रहा है। आज शहर देखे हैं, आज राजनीति में आए हैं, गांव के लोग अगर शहर प्रवेश किया तो मेरा योगदान उनका योगदान मेरे ऊपर में, इसलिए आज के दिन मैं सब नमन करते हुए मैं घर परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई परिवार को शांति मिले और शक्ति मिले कि इसकी जिस घड़ी को निकाले। और साथ साथ में मैं यही सरकार से मेरा विशेष आग्रह होगा कि जितना भी हमारे झारखंड में जो पत्रकार भाई हैं सबकी सुरक्षा झारखंड के दायित्व है, उसे करना चाहिए। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम ने कहा कि 20 दिसंबर को अपराधियों द्वारा गोली मारकर पत्रकार पवन शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हम अपने शहीद साथी को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चक्रधरपुर में पत्रकार पवन शर्मा का शहादत दिवस है। 20 दिसंबर को उनके अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और प्रतिवर्ष उनके शहादत पर शहादत दिवस मनाया जाता है और सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग पत्रकार ग्रसित होकर अपने पत्रकार साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद दिवस के अवसर पर हम आयोजित हुए हैं और पत्रकार पवन शर्मा को अपनी श्रद्धांजलि करते हैं। मारवाड़ी सम्मेलन छैबासा और जिला मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त तत्वावधान में एसआर रुंटा ग्रुप के सहयोग से आज शहर के मोचीसाई मोहल्ले में कंबल वितरण किया गया। मोचीसाई के सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से जरूरतमंद लोगों का चयन कर उन्हें कूपन उपलब्ध कराया गया था और आज उनके बीच कंबल का वितरण किया गया। रविदास समाज और उरांव समाज के पदाधिकारियों के हाथों कंबल का वितरण किया गया। दूसरे चरण में आज करीब 410 कंबल का वितरण किया गया है। सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल मुरारका ने कहा कि यह प्रयास निरंतर आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने सहयोग के लिए ऐसा रुंगटा ग्रुप का आभार भी जताया। सचिव रमेश खिरवाल ने कहा कि पहले हम जरूरतमंद लोगों को चिन्हित करते हैं और उसके बाद उनके बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। स्वर्गीय संजीव कुमार महतो की स्मृति में गायत्री परिवार की ओर से गमरिया प्रखंड के जयकांत शास्त्री स्मारक उच्च विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार की ओर से आज राज्य के हर जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संजीव कुमार महतो झामुमो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंद्र महतो के छोटे भाई थे। जमशेदपुर ब्लड बैंक की टीम द्वारा शिविर में रक्त संग्रह किया गया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर और गायत्री मंत्र का जप कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर के सफल आयोजन के लिए झामुमो जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों द्वारा सराहनीय योगदान दिया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान करने से क्षेत्र के लोगों को रक्त की कमी से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरह के शिविर के आयोजन से लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा होती है। आज पूरे झारखंड राज्य में प्रत्येक जिला में गायत्री परिवार की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। उसी के तहत सरायकेला खरसवां जिला के जयकान गांव में स्वर्गीय संजीव महतो की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
हाँ, पिछले वर्ष से ये सेकंड ईयर है, द्वितीय वर्ष है। इसके बाद हम लोग का प्रयास रहेगा कि प्रतिवर्ष यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हो, ताकि यहाँ के आम जनताओं को मैंने कभी भी दिक्कत ना हो ब्लड के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लड का जो जागरूकता है, ब्लड देने का, वो भी एक जागरूकता के क्रम में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ब्लड देने से कमजोरी आएगा, और ब्लड देने से विभिन्न प्रकार की बीमारी से भी आप वंचित होंगे, उसका भी जागरूकता के तहत हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं। ये चौथा बार जो है ना राज्य स्तरीय आयोजन रखा गया है, इसे अपने क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन पूरे झारखंड राज्य का जो है ना ये चौथा बार में पूरा सारे 24 जिला झारखंड राज्य के 24 जिला है, इस 24 जिलों में लगभग सभी जगहों में ये आयोजन रखा गया है। इसमें एक तो जो है ना अपना शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो जरूरत है, दूसरे जिसका जरूरतमंद है उसका बहुत ज़्यादा जरूरत है उसको भी मिलता है, तीसरा क्या है कि लोगों को इसके माध्यम से जिन लोगों को जागरूक होता है, क्योंकि बहुत सारे गांव देहात के लोग जो है ना उसको मालूम नहीं कि ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है, वो डरते हैं, तो इस डर को जो है ना मतलब उसका मन से हट जाए और उसका जो है ना उत्साह बढ़े और दूसरे को भी लाभ हो, इसके लिए गायत्री परिवार जो है ना हमेशा प्रयासरत है और आगे भी इस तरह से चलते रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा। परिवार के उसे संदेश देना चाहते हैं कि अपने शरीर स्वास्थ्य के ऊपर जो है ना सब कोई ध्यान दे, शरीर को किस तरह से स्वस्थ किया जाए, और हम अपने जीवन जीने की जो कला है, मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझे कि शरीर क्यों मिला है, कैसे मिला है, और इसका किस तरह से सदुपयोग किया जाए, सदुपयोग करके हम अपना लाभ ले सके और समाज को भी इसका लाभ दे सके, इसके इसका संदेश दिया जा रहा है समाज को। नगर परिषद चाईबासा के मतदाता जागरूकता अभियान के लिए भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की चाईबासा शाखा की ओर से शहर के गाड़ी खाना, मेरी टोला चौक और पोस्ट ऑफिस चौक पर जागो मतदाता जागो नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इप्टा के कलाकारों ने मतदाताओं को यह संदेश दिया कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मत का सही उपयोग कितना जरूरी है, बिना किसी दबाव, लालच और भय के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए। जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जागरूक किया गया। इप्टा के कलाकारों ने सोच समझकर करना है मतदान, चलो मतदान करें हम विकास लाने को, कुछ इसी तरह के गीतों से लोगों को जागरूक किया। झुटकी देवी कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, झुटकी देवी कैसा हो। देखिए भैया, अगर प्रतिदिन खुशहाली के साथ सुबह नाश्ता से पहले पीनी हो चाय और खानी हो नीमकी, तो इसको जरूर जिताइए, कमाल कर देगी झुमकी। चलिए झुमकी सभी भाई बहनों, चाची चाचा, सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जोहार। अरे याद है कि भूल गए, पिछली बार आप ही लोगों ने वोट देके हमको जिताया था, याद है ना, कितना विकास का काम किए थे आपको मोहल्ला में किए थे ना। नाली बज बजा रहा है, अरे नाली बज बजा रहा है तो क्या हुआ, उसको दूसरे तरफ मोड़ ना दिए थे। तो इस बार आप सब लोग फिर से हम ही को वोट दीजिएगा और जिताइएगा जरूर। कसम से चाची, आपका गुलाबी साड़ी से भी अच्छा साड़ी खरीद के देंगे। और जितना लोग यहाँ खड़े हैं ना, सबके घर में डेक्ची भर भर के, डेक्ची भर भर के अनाज भिजवाएंगे। तो याद रखिएगा, झुमकी देवी मेरा चुनाव चिन्ह, देखती छाप, देखती छाप। टोंटो थाना
थाना क्षेत्र के पटातरो गांव में शनिवार की शाम को हाथी ने 21 वर्ष की युवती मुक्ता लागुरी को पटक कर रौंद दिया। हाथी के हमले से युवती को गंभीर चोटें आई हैं। उसके कमर, जांघ और कंधे की हड्डी टूट गई है। घायल युवती को गंभीर हालत में रविवार की शाम करीब 4 बजे सदर अस्पताल लाया गया। गांव में यातायात का कोई सुविधा नहीं होने के कारण महिला को रात में अस्पताल नहीं लाया जा सका। घायल युवती के पिता ने बताया कि शनिवार की शाम घर से करीब 100 मीटर दूर पर बने खलिहान में काम करके वह वापस लौट रही थी। बगल के खलिहान में धान खा रहे जंगली हाथी को देखकर युवती भागने लगी। तब हाथी ने उसे दौड़ाकर आगे से घेर लिया और सूंड से पकड़कर पटक दिया। इसके बाद पैरों से रौंद दिया। जब वह शोर मचाने लगी तो बगल के खलिहान में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह हाथी को भगाया। ग्रामीणों ने बताया कि इसी गांव में 5 दिन पूर्व हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया था। पांड्रा साली भोया मार्ग में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उस पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया। सड़क दुर्घटना में परिचित महतो को गंभीर चोट लगी है, जबकि संदीप महतो और केशव नायक को हल्की चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक पर सवार होकर किसी काम के सिलसिले में बोंडा से खरसवा की ओर जा रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे एसआर रुंगटा ए डिवीजन लीग के तहत आज खेले गए मैच में एक तरफा मुकाबले में सिरसा चक्रधरपुर ने यंग झारखंड क्रिकेट क्लब को 175 रनों से हरा दिया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिरसा चक्रधरपुर की टीम ने निर्धारित 35 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। इस टीम की ओर से सोहेल अहमद खान ने 3 चौके और 7 छक्के की मदद से शानदार 83 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी यंग झारखंड क्रिकेट क्लब की टीम ने 19 ओवर 2 गेंद में मात्र 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शराबियों, जुआरियों और अड्डाबाजी करने वालों के खिलाफ सदर प्रखंड के कुछ बूसों के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस क्षेत्र में यदि कोई नशापान और अड्डाबाजी करते पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ग्रामीणों की ओर से इससे संबंधित एक सूचना बोर्ड भी लगाया गया है। असामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 3 मौजा के ग्रामीण मुंडा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सूचना बोर्ड लगाया गया। बोर्ड में लिखा गया है कि इस क्षेत्र में शराब पीना, गांजा पीना और अड्डाबाजी करना सख्त मना है। पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में खुलेआम शराब और गांजा का सेवन, जुआ खेलना और अड्डेबाजी करने का मामला सामने आता रहता है। इससे यहां का वातावरण खराब हो रहा है। असामाजिक तत्वों के संपर्क में आने से युवा वर्ग भटक रहा है। इसलिए इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। क्षेत्र में गलती करते हुए यदि कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्षेत्र के सभी ग्रामीण इस पर निगरानी रखेंगे। कमार हाथों के बुद्धिजीवियों ने आज गांव वालों के साथ कुजू नदी तट पर पिकनिक मनाया। इसमें बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सामूहिक रूप से लजीज व्यंजन का आनंद लिया। शिक्षक कृष्णा देवगम द्वारा क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें दीपिका देवगम, सरिता बोद्रा और दिलीप सोय ने पुरस्कार जीता। पिकनिक में आर्मी में कैप्टन पद से सेवानिवृत्त भीम सिंह देवगम, सहायक प्रोफेसर क्रिस्टिना देवगम, तीरंदाज लक्ष्मी रानी मांझी, लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप, फुटबॉलर विमल बिरवा भी शामिल हुए। ओलंपियन तीरंदाज लक्ष्मी रानी मांझी ने कहा कि पूरे गांव का सामूहिक पिकनिक सामाजिक समरसता स्थापित करने का एक अच्छा माध्यम है। ऑल इंडिया हो बैंकर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सिरिंसिया घाटी शहीदों की स्मृति में सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने रक्तदान किया। ठंड ने चाईबासा में भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान
तेजी से नीचे गिर रहा है और सिरहन बढ़ रही है। शहर के लोगों को ठंड से राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाइक और नगर परिषद चाईबासा के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा के संयुक्त निर्देश पर रविवार की शाम से अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। शहर के जैन मार्केट चौक, गांधी मैदान चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, बड़ी बाजार चौक और बिरसा चौक के अलावा अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। शहर के कुमार टोली सामुदायिक भवन में कुम्हार चिंतन का आयोजन किया गया, जिसमें कुम्हारों के एकीकरण और 27 दिसंबर को रांची में होने वाली बैठक पर विचार विमर्श किया गया। चिंतन बैठक में प्रदेश के प्रतिनिधि सदन प्रजापति, ललिता देवी, राजेंद्र महतो, पुना बेसरा के अलावा चाईबासा के अरुण प्रजापति, रामेश्वर प्रजापति, जयप्रकाश प्रजापति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।